हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से चैप्टर नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए। अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है फार्माकोलॉजी का, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फार्माकोलॉजी का हमने फर्स्ट चैप्टर हिंदी इंग्लिश मिक्स में पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है और अच्छे से उसको डिफाइन भी किया है। तो दोस्तों, अगर नहीं देखा है तो पहले आप जाइए और वहाँ से फर्स्ट चैप्टर के नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर आपको मेरे जो नोट्स होते हैं उनकी PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए, उसमें आपको सभी प्रकार की PDF और सभी मॉडल पेपर उसी आपको ग्रुप में प्रोवाइड होते रहेंगे। और जो आपके दोस्त फर्स्ट ईयर में हो तो उनको भी बता देना कि देव फार्मेसी पर हिंदी इंग्लिश मिक्स में डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर दोनों सब्जेक्ट के, यानी जो आपके कोर्स हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर दोनों को पढ़ाया जाता है और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो बातें होती हैं वह हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही पहले बता देते हैं, उसके बाद जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बीच में आपको कुछ भी नहीं बताते हैं, केवल आपको पढ़ाते हैं। जो आपका टॉपिक होता है उसको हम कंप्लीट करा देते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से स्टूडेंट बोरिंग महसूस करने लगते हैं, बहुत से स्टूडेंट पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, तो आप मेरी वीडियो को लगातार फॉलो करते रहिए। अगर आप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो आप ग्रुप से ऐड हो जाइए। देखिए दोस्तों, 199 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, लोग थोड़ा बहुत खा पी कर उनको खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे तो दोस्तों आपको 199 रुपये देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड होंगे, सभी PDF प्रोवाइड होंगी और जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे सब आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आपको हमने सेकेंड चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कराया था, यानी हमने आपको कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बताया था कि वह ड्रग्स जो हमारी बॉडी को रेस्ट करती हैं, यानी जो हार्ट रेट होती है उसको कम करती हैं, सलाइवेशन को स्टार्ट करती हैं और पैरासिम्पैथेटिक की तरह वर्क करती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक की तरह वर्क करती हैं, तो इस प्रकार से हमने आपको कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन था उसको भी हमने अच्छे से कंप्लीट कराया था। अब उसकी आपको अपोजिट ड्रग को पढ़ना है, यानी जो कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन को रोकने का वर्क करें उनको हम कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, यानी पैरासिम्पैथोलाइटिक। यानी आपने पहले पढ़ी थी, आपने ड्रग पढ़ी थी कोलिनर्जिक ड्रग, जिनको पैरासिम्पैथोमिमेटिक कहा जाता है, यानी पैरासिंथेटिक जो होते हैं आपके, पैरासिम्पैथोमिमेटिक जो होते हैं वह आपके पैरासिंथेटिक की मिमिक्री करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो आप इसमें टॉपिक पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का वाला जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, इसको सेकेंड नाम से जाना जाता है, पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग कौन सी होती हैं? वह ड्रग्स जो कोलिनर्जिक ड्रग को रिसेप्टर पर बाइंड होने से रोकती हैं, यानी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं उनका जो वर्क होता है उसको जो रोकने का वर्क करती हैं तो उनको कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंड एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। जो एसिटाइल कोलिन का एक्शन था, यानी जो अपना वर्क करता था एसिटाइल कोलिन, सलाइवेशन को स्टार्ट कराता था, हार्ट रेट को कम करता था, जो आपका बॉडी मूवमेंट है उसको रिलैक्स करता था, उसके एक्शन को जो रोकने का वर्क करती हैं उनको हम कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी मीन्स होता है अपोजिट, यानी उसके उल्टे वर्क करती हैं, यानी कोलिनर्जिक आपकी जो वर्क कर रही थी उसके अपोजिट जो वर्क करती हैं उसको कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। और उसके बाद आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का हमने क्लासिफिकेशन लिखा है, इसके क्लासिफिकेशन में हमने कौन कौन सी ड्रग को ऐड किया है। देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्लास लिखी है हमने नेचुरल, जिनको कहते हैं एंटी मस्क्रेनिक एजेंट, यानी आपको हमने दो रिसेप्टर प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ाए थे, एक मस्क्रेनिक एजेंट पढ़ाया था, एक निकोटिनिक एजेंट पढ़ाया था।
तो इसमें जो ड्रग होंगी एक होंगी आपकी एंटी मस्क्रेनिक एजेंट। तो मस्क्रेनिक एजेंट वाली ड्रग्स कौन सी हैं? एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन जो होती है जिसको कहते हैं हायोसिन, ये आपकी ड्रग आएंगी एंटी मस्क्रेनिक एजेंट में। और सेमी सिंथेटिक की क्लास में आएंगी एट्रोपिन सल्फेट, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इप्राटोपियम ब्रोमाइड, और होमाट्रोपियम आपकी जो ड्रग आती है होमाट्रोपिन, वह ड्रग आपकी सेमी सिंथेटिक के अंदर आएगी। और उसके बाद आती है सिंथेटिक क्लास। सिंथेटिक क्लास में आपकी एक सब क्लास आती है मिडियाट्स, जो मिडियाट्स होती है वह आपकी क्लास आती है, जिसमें साइक्लोफेन टोलेक ड्रग आती है और जिसमें ट्रोपिकेमाइड ड्रग आ जाती है, और एंटी स्पास्मोटिक में आपकी आती है क्वार्टनरी जो कंपाउंड होते हैं, जैसे प्रोपेंथेलिन आ गई आपकी, सेलिडिनियम आ गई आपकी ड्रग, और उसके बाद टर्सरी अमीन्स में डाइसाइक्लोमीन और प्रेनिजिपिन जो ड्रग आती है वह आपकी टर्सरी अमीन्स के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों, जो आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है, हमने बहुत अच्छे से इसमें जितनी आपके लिए ड्रग इम्पॉर्टेंट है उन ड्रग को हमने लिखा है, और अच्छे से इसमें हमने इन ड्रग को डिफाइन भी किया है। उसके बाद दोस्तों, आप डेफिनेशन को आपने देख लिया, उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन को देख लिया, अब आप देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, एट्रोपिन कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन को ब्लॉक कर देती है। जो आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एट्रोपिन है, या आपके जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है, और मस्क्रेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करने का वर्क करती है, और इसका वर्क सीएनएस पे क्या होता है, यह ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती, यानी वो जो आपकी कोलिनर्जिक वाली ड्रग थी वह ब्रेन को थोड़ा शांत कर दी थी। उसके बाद जब इन ड्रग का यूज़ किया जाएगा तो ये वाली ड्रग आपके ब्रेन को फिर से स्टिमुलेट कर देंगी, और आईज में मीडियाटिस कर देंगी, जो मीडियाटिस होता है ना, यानी आपकी जो आईज होती है उनको डायलेट कर देंगी, डायलेट करने का वर्क कर देंगी। और उसके बाद सिक्रेशन होता है, यानी जो सिक्रेशन कोलिनर्जिक ड्रग के यानी द्वारा बढ़े हुए थे, जो कोलिनर्जिक आपने ड्रग यूज़ की थी, तो उसके बाद जब आपने कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ किया था तो आपके सिक्रेशन कुछ बढ़ गए थे, जैसे सलाइवेशन होने लगा था, उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया था, और हाइड्रोक्लोरिक जो आपका लिक्विड होता है उसका भी सिक्रेशन होने लगा था। बट जब आपने इन ड्रग का यूज़ किया तो फिर से आपका जो सिक्रेशन है वह डिक्रीज हो गया, वह कम हो जाता है। और उसके बाद सीबीएस पर इनका क्या वर्क होता है, सीबीएस क्या वर्क करती है, यानी शुरू में ये हार्ट रेट को कम कर देते हैं। जब इन ड्रग को दिया जाता है तो शुरुआत में तो ये आपकी हार्ट रेट को कम कर देते हैं, यानी जब हार्ट रेट कम हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। उसके बाद ये टेकीकार्डिया कर देते हैं, यानी बाद में आपकी हार्ट रेट बढ़ा देंगे। इन ड्रग का जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इस प्रकार से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रोंको डायलेशन कर देते हैं, यानी जो आपकी रिस्पायरेटरी जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें डायलेशन कर देते हैं। और सिक्स वाला है, इट इज़ यूज एज एंटी स्पाजमोटिक एंड एंटी डायरियल ड्रग, यानी जब आपके मसल्स में पेन होता है तो इनका यूज़ किया जाता है, जो आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। एंटी स्पाजमोटिक मीन्स होता है आपकी मसल्स में ऐंठन होती है तब इसका यूज़ किया जाता है, और एंटी डायरियल ड्रग के रूप में भी इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका था फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है इसको हमने डिफाइन किया। उसके बाद दोस्तों, आपका यानी जो आई आई के सामने वाला लिखा हुआ है मिड्रियासिस, यानी मिड्रियासिस क्या होता है, यानी जो आपका पुतली का साइज़ बड़ा हुआ होता है, जो आपकी पुतली बढ़ी हुई होती है, अगर कोई ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है तो आपकी आई का ऑपरेशन होता है तो आई का साइज़ बढ़ा दिया जाता है, तब
तब जब आप एट्रोपिन ड्रग का यूज़ करेंगे यानी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ करेंगे तो आई का जो साइज होगा वह कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आई को या क्या एक्शन शो करते हैं आई के लिए, तो ये मिड्रियासिस करते हैं यानी जो आई होती है उसको डायलेट करने का वर्क कर देते हैं। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या होते हैं फॉर डायलेशन ऑफ पपिल। अभी हमने आपको बताया जो आपके आँख की पुतली होती है उसके डायलेशन में, और प्री एनेस्थेटिक के रूप में इनका यूज़ किया जाता है यानी किसी को एनेस्थीसिया देने से पहले इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ किया जाता है। हाइपर सलाइवेशन में इनका यूज़ किया जाता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने का इसके लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनका वर्क होता है। देखिए दोस्तों कोलिनर्जिक में क्या होता था, सलाइवेशन ज़्यादा होता था, तब उसके बाद जो एंटी कोलिनर्जिक आप पढ़ रहे हैं ये सलाइवेशन को कम करती हैं, तो इसीलिए इसमें लिखा गया है हाइपर सलाइवेशन में, यानी हाइपर सलाइवेशन जब आपका सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा होगा तब इन ड्रग का यूज़ किया जाएगा। इंडिकेशन मीन्स होता है कि कौन सी डिसीज़ में इसका यूज़ किया जाएगा, किस बीमारी में इसका यूज़ किया जाएगा, यानी क्या ठीक करने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, तो इसको कहते हैं इंडिकेशन। फिर आता है आपका डायरिया, यानी जो डायरिया डिसीज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और पार्किंसन डिसीज़ को ठीक करने में इनका यूज़ किया जाता है। पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है, यानी जब हाथ पैर कांपने लगते हैं तो ये आपकी होती है पार्किंसन डिसीज़, यानी पैरों में हाथों में कंपन होने लगता है तो वह आपकी पार्किंसन डिसीज़ होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो आपने इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी देखा, उसके बाद आप इंडिकेशन को भी देखे हैं। इंडिकेशन को देखने के बाद अब आप देखेंगे इसके डोज, यानी क्या क्या इसमें डोज लेने हैं आपको ड्रग के डोज दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत डोज यानी आपकी ड्रग तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं तो आपको इतने डोज याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको जहाँ तक है आपको उसका लगभग थोड़ा बहुत पॉइंट तो पढ़ना ही है, यानी क्योंकि बहुत सी ड्रग हैं बहुत टॉपिक हैं आपके तो आपको पढ़ना तो है ही साथ में लेकर। और फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो आपका है वह सरल नहीं है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। दोस्तों आपका एग्जिट एग्ज़ाम भी है, उसकी तैयारी भी हम जल्द स्टार्ट कराने वाले हैं, आपके लिए मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हम बहुत जल्द वीडियो तैयार करने वाले हैं और आपको हम संडे टू संडे उसमें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जो भी आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। तो बात करते हैं डोज, यानी इनको इंट्रावीनस आईएम यानी इंट्रामस्कुलर एंड आईएससी यानी सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है ये जो ड्रग होती हैं। पहला पॉइंट है यानी 0.4 से लेकर 0.6 एमजी फॉर प्री एनेस्थेटिक, यानी जब एनेस्थीसिया से पहले इनकी डोज दी जाती है तो इनको 0.4 से 0.6 के बीच में इनको दिया जाता है, और 1% सोल्यूशन इन आई ड्रॉप फॉर मीडियासिस, यानी मीडियासिस के लिए इनका जो सोल्यूशन आई ड्रॉप दिया जाता है वह 1% तक दिया जाता है। और उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी कौन सी डिसीज़ में इनको नहीं देना है, कौन सी बीमारी में इन ड्रग का यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका हाइपरटेंशन आता है कि हाइपरटेंशन में इनको यूज़ नहीं करना है, और उसके बाद दोस्तों ग्लूकोमा की कंडीशन में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। ग्लूकोमा क्या होती है, जब आई की ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो इस डिसीज़ को कहते हैं ग्लूकोमा। नेक्स्ट वीडियोस में आप ग्लूकोमा के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद आपके इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से हो गए हैं, आपको ग्लूकोमा की कंडीशन में इनका यूज़ नहीं किया जाता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो आपका टॉपिक है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, इसको हमने अच्छे से डिफाइन किया है दोस्तों। ज़्यादा डिफाइन करने से या ज़्यादा आपको थ्योरी लिखाने से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, जब आप फार्माकोलॉजी का पूरा यानी सिलेबस पढ़ लेंगे उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम का 1 मंथ बचेगा तो दोस्तों आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो इसीलिए स्टार्टिंग से सभी टॉपिक को क्लियर करते चाहिए, और दोस्तों उसके बाद अपने नोट्स तैयार करते चलिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो भी आपके लिए जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उतना आप तैयार करते चलिए स्टार्टिंग से,
क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की बैक आती हैं दोस्तों, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।